तो गाइस देखिए, अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है अ कोर्स एंटीबायोटिक इज टेकन ओरली, हमें एक एंटीबायोटिक ओरली ले रखी है एंड द ड्रग मूव्स फ्रॉम द जीआई ट्रैक थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और जो ड्रग है ना वो जीआई ट्रैक से ब्लड स्ट्रीम में गया है, फ्रॉम विच इट इज रिमूव बाय किडनी एक्सक्रीटिंग इन द यूरिन, ठीक है। तो इतनी सी बात बोल रखी कि ब्लड जीआई ट्रैक से ब्लड स्ट्रीम में गया है और उसके बाद वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो गया, मतलब किडनी के थ्रू वो बाहर चला गया। तो सबसे पहला हमारा काम इसमें बोल रखा है राइट ऑन द वर्डिएशन विच डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द ड्रग थ्रू द बॉडी यूजिंग थ्री ट्रैक्स, मतलब क्या कि सबसे पहला हमारा काम है वर्डिएशन बनाना है इन थ्री ट्रैक्स को यूज करके, और अज्यूम दैट द यूरिनरी ट्रैक कैन बी कंसीडर एज अब्सॉर्बिंग डिपार्टमेंट, ये यूरिनरी ट्रैक है ना वो अब्सॉर्बिंग डिपार्टमेंट है ओनली, एंड द ड्रग एंटर बट वेयर इट्स रिमूव इट इज आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। मतलब कि जब एंटर हुआ ना तो वो बाहर भी चला गया साथ ही साथ। चलिए मैं आप इसकी ना वर्डिएशन बताती हूँ, सबसे पहले इसी करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाती हूँ, उसके बाद इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो कंपार्टमेंटल डायग्राम में देखो कुछ इस तरीके से, सबसे पहला मेरा जी आई ट्रैक बोला था, ठीक है। तो मेरा ये जी आई ट्रैक है, उसके बाद जी आई ट्रैक में कुछ एंटर करा, ड्रग एंटर हुआ यहाँ से ड्रग एंटर हुआ, उसके बाद वो गया ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, यही बोला था। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा आप देख सकते हो उसमें, एंड देन यहाँ पे जी आई ट्रैक से वो ब्लड ड्रग जो है डिफ्यूज हुआ, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ, ब्लड स्ट्रीम से वो रिमूव हो गया थ्रू द किडनी, रिमूव हो गया और वो जाके यूरिनरी ट्रैक में गया और फिर जाकर बाहर में वो एक्सक्रीट हुआ, ठीक है। ये है हमारा थोड़ा कंपार्टमेंटल डायग्राम। अब नाउ अब इन्होंने फर्स्ट बोला था कि इसकी वर्ड इक्वेशन बनाओ, तो सबसे पहला काम हमारी वर्ड इक्वेशन का। तो वर्ड इक्वेशन है ना, देखो जितने हमारे कंपार्टमेंट होते हैं उतनी हमारी वर्ड इक्वेशन बनती है, ठीक है। जितने हमारे कंपार्टमेंट होते हैं तो हमारी तीन वर्ड इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले जी आई ट्रैक की, तो जी आई ट्रैक में रेट ही चेंज होता है हमेशा, हम रेट उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज होते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर ड्रग की बात हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग, ये मेरा चेंज का साइन बना दिया मैंने ट्रैक का, ठीक है। अब चल रहे इन जी आई ट्रैक, हम मैं जी आई ट्रैक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हम वर्ड इक्वेशन कुछ ऐसे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, क्योंकि ये जो केसेस जो हम हो रहे हैं ना एक सिंगल पेज की तरह केस लेकर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको ना ड्रग एसिमिलेशन वाला करवाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था सिंगल पेज और फोर्स पेज के बारे में, तो सिंगल पेज की तरह ही लेंगे इस केस को भी, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा रेट ऑफ ड्रग लीव्स दी, मतलब क्या जी आई ट्रैक कि ये जो रेट है ना जो लीव करके जा रहा है उसी के ही बराबर होगा, मतलब कि एंटर है ना यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लीव भी हो रहा है सिंगल पिक की तरह हो रहा है, ठीक है। ड्रग रेजुलेशन का मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगी हमारे जी आई ट्रैक की क्वेश्चन माइनस साइंस ऑफ दिस। अब मैं दूसरी ब्लड स्ट्रीम की बता रही हूँ, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम की क्या होगी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग की बात कर रहे हैं इन ब्लड स्ट्रीम। अब मैं ब्लड स्ट्रीम की बात कर रही हूँ, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर एंटर क्या हो रहा है ब्लड स्ट्रीम के लिए, उसका एंटरिंग पार्ट क्या होगा जो जी आई ट्रैक से आ रहा है, राइट। उसके लिए ब्लड स्ट्रीम के लिए तो एंटर वाला कौन सा जो जी आई ट्रैक से आ रहा है, तो वही लिखेंगे रेट ऑफ ड्रग एंटर थ्रू जी आई ट्रैक, जो जी आई ट्रैक से आ रहा है वही हमारा होगा, और ब्लड स्ट्रीम से बाहर कहाँ जा रहा है, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक में जा रहा होगा बाहर, तो बट जा यूरिनरी मतलब कि ब्लड स्ट्रीम का ही जा रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वेट ड्रग लीव्स ब्लड, लीव्स ब्लड या फिर ब्लड स्ट्रीम एक ही बात है, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, जो ब्लड स्ट्रीम को लीव करके जा रहा है वो पार। अब तीसरा हम यूरिनरी ट्रैक के बारे में लिखेंगे, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन दी यूरिनरी ट्रैक, डायरेक्टली मैं लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक के लिए एंटर वाला कौन सा होगा, जो ब्लड स्ट्रीम का लीव करने वाला होगा, तो देयरफॉर
वैसे यूनरी ट्रैक के लिए, अब उससे पहले ना वैसे तो यही होना चाहिए कि जो ब्लड सीम से जा रहा है वो उसका एंटरिंग होगा और यूनरी ट्रैक से जो एक्सक्रीट हो रहा है वो उसका आउटसाइड होगा। बट यहाँ पर देखें, यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, एज्यूम, यहाँ पे देखें ये लाइन लिखी, एज्यूम दैट द यूनरी ट्रैक कैन बी कंसीडर एज अब्सॉर्बिंग डिपार्टमेंट ऑनली एंड दैट इज द ड्रग एंटर बट वेयर इट्स रिमूव इट इन आवर फॉल्टी सिस्टम। मतलब क्या, जब ड्रग एंटर हुआ ना तभी के तभी वो सिस्टम से बाहर चला गया और वो एक इकलौता है एब्जॉर्बिंग कंपार्टमेंट। तो इसी वजह से जो यूरिनरी ट्रैक का एंटर हो रहा ना तो उतना ही एंटर होगा, बाकी वो सिस्टम से ही बाहर चला जाएगा, इसीलिए हम उसको लिखेंगे भी तो यूरिनरी ट्रैक, तो वो इसके बराबर जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसमें मेरी बड़ी क्वेश्चन बनी बी पार्ट। अब बी पार्ट इसमें बोल रखा है, देखो इसमें बोल रखा है कि मुझे ना इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने, फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन डेवलप द डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम इज डिस्क्राइब द प्रोसेस इन डिफाइनिंग द होली पैरामीटर। तो जस्ट वर्ड इक्वेशन बन गई, इसी का ही मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब देखो मैं यहाँ पर हैं डायरेक्ट ने ना आपको लेट कर लेना है कि जी आई ट्रैक की कॉन्सेंट्रेशन एक्स है, ब्लड स्ट्रीम की वाई कॉन्सेंट्रेशन ले लूँ और यूरिनरी ट्रैक की जेड, ये कॉन्सेंट्रेशन ले लूँ आपको लेट करके दिखाना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया। अब वर्ड इक्वेशन कैसे बनते हैं, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन जी आई ट्रैक की मैंने एक्स ली थी तो डी एक्स, और ये चेंज कैसे होगी टाइम के साथ रहे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग, और ये जी आई ट्रैक पर ड्रग लीव हो रहा है तो दैट इज कुछ के टाइम्स लीव हो रहा होगा एक्स, एक्स जो है कुछ के वन टाइम्स लीव हो रहा होगा, राइट। ये सेम, मतलब जैसे मैंने उसमें ड्रग एसिमिलेशन में करवाया था ना, बिल्कुल सेम वही करना है यहाँ तक तो, ठीक है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ये तीसरा पार्ट नहीं था, वहाँ पे ये दो ही चीज़ थी। ठीक है, वहाँ आपसे भी आप समझते हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर मैंने उससे समझाया था, मैं सोच रही थी जरूर भी आपको आता होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी भी करवाने से ऐसे ही सेम, ये सबसे पहला पार्ट पहले किसके लिए लिया, जी आई ट्रैक के लिए। ठीक है, जी आई ट्रैक की क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब दूसरी बड़ी क्वेश्चन है डी वाई बाई डी टी, क्योंकि मैं इसकी बात करूँ ब्लड स्ट्रीम की रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड स्ट्रीम तो मैंने वाई से लिया था, और उसका रेट ऑफ चेंज करेंगे तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे कि उसका रेट चेंज है। देन रेट ऑफ ड्रग एंटर थ्रू द जी आई ट्रैक, अब जी आई ट्रैक से एंटर हो रहा है ना तो कुछ के वन एक्स एंटर हो रहा होगा, क्योंकि एक्स एंटर हो रहा है वो उसका के टाइम्स होगा, तो उसी का कॉन्स्टेंट लिखेंगे उतने कॉन्स्टेंट टाइम्स एंटर हो रहा होगा, माइनस वो लीव हो रहा है ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड स्ट्रीम को मैं वाई से लिख लूँ तो कुछ के टू टाइम्स बाहर निकल रहा होगा, मैं दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब मैं तीसरे जी आई ट्रैक की यूनिट ट्रैक की बात करूँ तो जी जेड बाई डी टी, उसका भी रेट चेंज हो रहा है तो वो किसके बराबर है, जो एंटर हो रहा है यूरिनरी ट्रैक में, तो यूरिनरी ट्रैक में एंटर वाला जो है ना वो है क्या, ब्लड स्ट्रीम का, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा के टू वाई, और यहाँ पर जेड का कोई नहीं आएगा, ठीक है वो सिर्फ वाई तक ही रहेगा। यहाँ पर तीन इक्वेशन बनी एंड नाउ अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे हमने ब्लड को ब्लड एसिमिलेशन का था सेम प्रोसेस वैसे जैसे आप पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देन फ्रॉम फर्स्ट अब मैं एक एक करके इक्वेशन को लूँगी, दैट इज ए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वन एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन को थोड़ा इवेल्युएट करना, सबसे पहले मैं इसमें इंटीग्रेशन करूँगी। ठीक है, तो थोड़ा सेम सेम ले आता हूँ, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पे k1 एंड dt टी ये इधर चला गया x इधर। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x, log की जगह ना आप नेचुरल log ले लो ln। ठीक है, कि ज़्यादा टीचर ये प्रेफर करते कि आप ln यूज़ करो तो आप वो भी यूज करते हो, उससे पहले करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे कोई कॉन्स्टेंट मिलेगा सी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे सी की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर सबसे पहले काम होता है आपको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना, इनिशियल कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि एट जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम जीरो होगा ना तब आप कॉन्सेंट्रेशन एक्स नोड लोगे। ये आप समझ रहे होंगे ना कि एक्स और जीरो का मतलब क्या है, कि यहाँ पर टाइम जीरो होगा तब आप जाके एक्स नोड लोगे। ठीक है, जैसे कि होते हैं ना वाई ऑफ समथिंग, वाई ऑफ टू इज इक्वल टू आपको फोर दे रहा, मतलब क्या एक्स की वैल्यू आपकी टू है तो वो आपको फोर दे रहा है, तो वैसे ही आपकी यहाँ पर टी जो है, क्योंकि एक्स आपके टी की फॉर्म में है, एक्स आपका टी की फॉर्म में है क्योंकि वो उससे डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, तो इसीलिए एक्स ऑफ टी।
ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको रखना है जब आपका टाइम जीरो तब एक्स नॉट होगी, आपका यहाँ पे टाइम जीरो हो गया और एक्स की जगह एक्स नॉट, तो मेरे को पास क्या बचा एल एन एक्स नॉट और ये जीरो हो गया, तो मेरे को सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू मैं इस वाले में पुट कर दूंगी, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ सी इन फोर्थ, ये सेम प्रोसेस चल रहा है, मैंने ड्रग एस्टिमेशन बिल्कुल भी ऐसे ही सेम सॉल्व करवाया, ठीक है। नाउ इसमें भी यहाँ पे पुट कर दूंगी, विच इज एल एन हो जाएगा, यहाँ पे एल एन एक्स ही है और माइनस ए वन टी, और सी की जगह सी की वैल्यू अभी आई है, दैट इज एल एन एक्स नोड। अब इस एल एन को एक तरफ ले जाऊंगी, यहाँ से सिंपली मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा एल एन को एक तरफ ले जाऊंगी, एक्सपोनेंशियल होगी, तो यहाँ पर एक्स ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस ए वन टी, ठीक है। ये मैंने ऐसे करा कि एल एन को है ना मैं यहाँ पे माइनस में ले जाऊंगी तो वो डिवाइड में आ जाएगा माइनस में, और एक्सपोनेंशियल ले लूंगी तो ई रेज़ टू द पावर माइनस के वन टी हो जाएगा, और एक्स नॉट तो डिवाइडेड में था ऊपर चला जाएगा तो एक्स नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँगी फ्रॉम सेकेंड, एक एक करके आपको सभी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब सेकेंड मेरी इक्वेशन थी डी बाई वाई डी टी की वन एक्स, अब देखो यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई थी, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तो मतलब बेसिकली क्या है कि आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि आपको उसका यूज सेकेंड इक्वेशन में होगा। अब आगे ये इक्वेशन आप जाके आप इसको सॉल्व करना सेम प्रोसेस, अब यहाँ से वाई की टर्म एक पास आ जाएगी डी वाई बाई डी टी प्लस में के टू वाई इज इक्वल टू के वन एक्स नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के वन टी, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसे केस बन गया जहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था ई रेज टू द पावर पी डी टी, पी डी एक्स लिखते थे क्योंकि वो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता था, बट यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में तो आप डी टी लिखोगे, और आपका पी वो जो होता है जो यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसके पावर में निकलते हैं, तो मेरा के टू है यहाँ पर, ठीक है, और डी टी के रिस्पेक्ट में होगा तो ई रेज टू की पावर के टू टी आ गया मेरे पास, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लाई कैसे करते थे, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, यहाँ पर मेरा वाई है तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा ये आया, ठीक है, इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू में किसके क्यू के साथ करते हैं, क्यू मेरा यहाँ पर होता है विच इज दिस, ये पूरा मेरा क्यू है, दैट इज के वन एक्स नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के वन टी डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये वही सेम प्रोसेस है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, ठीक है। अब आपको याद होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो अब मैं क्या करूँगी, ये तो सेम है यहाँ पर इंटीग्रेशन हुई है के वन और एक्स वन, ये मेरा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये जो ई है ना बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो वही चीज मैं यहाँ पर करूँगी और उसका इंटीग्रेशन करूँगी। एक मिनट है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो देखो ये तो मेरा सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा कॉन्स्टेंट था, ये मैंने बाहर निकाल लिया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका ई का इंटीग्रेशन वो खुद होता है, राइट, वो खुद होता है, तो दैट इज के टू माइनस के वन इंटू, ये जस्ट मैंने उसको साथ में लिख दिया, वो खुद हो गया, मतलब ये पूरा वैल्यू लिख दी, और फिर उसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखा जाता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, दैट इज के टू माइनस के वन, और टी का वन हो जाएगा तो ये पूरा आ गया, प्लस में यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट मिलेगा मुझे, उस कॉन्स्टेंट को नाम दे देती हूँ मैं कुछ बी, ठीक है। अब मुझे कांस्टेंट मिल गया, अब यहाँ पर जब कांस्टेंट मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगी, इसमें इनिशियल कंडीशन होती है जब हमारी जब वाई ऑफ जीरो तब हमें जीरो मिलता है, मतलब कि जब टाइम जीरो हो तब वाई की वैल्यू हम जीरो लेंगे, मतलब कि जहाँ पर भी टी है और वाई है वहाँ पर जीरो जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, पूरी टर्म जीरो हो गई, ठीक है, तो ये पूरी टर्म यहाँ वाली जीरो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइम जीरो हो गया तो ई रेज टू द पावर जीरो, किसी भी पावर जीरो थी तो वन आता है, तो यहाँ पर क्या बचा के वन एक्स नॉट के टू माइनस के वन प्लस में बी, अब यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल दूँगी, बी की वैल्यू आ गई माइनस के वन एक्स नॉट के टू माइनस के वन, ठीक है। अब इस बी की वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी, तो सो पुट वैल्यू ऑफ बी
मैं दोबारा ना फिट कर पुट कर दूंगी इसकी, तो मेरी आ जाएगी y e raise to the power k2 integral k1 x naught e raise to the power k2 minus k1 x k2 minus k1 and b की वैल्यू भी minus k1 x naught k2 minus k1। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो y of मतलब y of t सिर्फ ये जो y है ना मेरा t के साथ में चेंज हो रहा है, t के साथ चेंज हो रहा है क्योंकि वो डेट है ना एक तरीके से, dy by dt लिखा था राइट, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया सीधे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगी तो e raise to the power k to t है डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको ओपन करूँगी तो वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों में और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो सेम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ना कॉमन भी ले रही हूँ साथ में k2 minus k1 को, तो यहाँ से e raise to the power minus k1 t minus e raise to the power minus k2 t बचेगा मेरे पास। ठीक है, अरे आपको इतना समझ आएगा। अब मैं लेती हूँ थर्ड इक्वेशन, जल्दी से खत्म कर देना है। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन में करती हूँ। ठीक है, मेरी थर्ड इक्वेशन में भी dz by dt is equal to k2 y, अब y की मेरे पास वैल्यू विच इज दिस राइट, अब dz by dt k2 और y की मेरी ये पूरी वैल्यू है जिस k1 x0 upon में k2 minus k1 e raise to the power k1 t minus k2 t। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, आपको ना ये इक्वेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास है ना एग्जाम पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंटीबायोटिक के ऊपर, डिसेमिनेशन, लेक पोल्यूशन मॉडल के ऊपर। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना इन्हीं में से आते हैं लेक पोल्यूशन मॉडल जो मैंने आपको करवा दिया, ड्रग एसिमिलेशन एंड ये एंटीबायोटिक वाला, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब सेम चीज़ इसमें भी करनी है मुझे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करने के बाद मेरी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँ, देखो यहाँ पे डी जेड है क्योंकि यहाँ पे कोई जेड की तो वैल्यू वेरी मतलब है ही, तो डी टी मेरा रह चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड और यहाँ पे आ जाएगा के टू के वन एक्स नॉट के टू माइनस एक्स वन के वन टी माइनस के टू टी और डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन। अब डी जेड का सेट हो जाएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में, ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है राइट, तो ये ऐसे ही रह जाएगा मेरे पास के टू माइनस के वन, यहाँ पर डी टी आ रहा है तो यहाँ पर ही होगा, तो इसका ई का इंटीग्रेशन वो खुद ही होता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है, इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा माइनस के वन। ठीक है, वो नीचे लिख रहा था जाते हुए, तो माइनस के टू टी और इसका डेरिवेटिव माइनस के टू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलिए मैं पहले लिख देती हूँ माइनस के टू, कंफ्यूज ना हो जाएंगे प्लस। अब इसका वेरिएबल मैं ए ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू आती है ना दोबारा से, इसमें भी इनिशियल कंडीशन क्या है, जेड ऑफ जीरो को मैं जीरो लूँगी, तो यहाँ जीरो हो जाएगा और टाइम भी जीरो हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी के टू माइनस के वन माइनस के वन प्लस वन बाई के टू प्लस में ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू थोड़ी सी सॉल्व करके निकाल देती हूँ, के वन एक्स नॉट के टू माइनस के वन और के टू प्लस में के वन अपॉन में के वन के टू। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर देखो ये चीज़, ये जो चीज़ है ना आपस में कैंसिल हो रही है क्योंकि ये माइनस ऑफ दिस है ना, अगर मैं आपसे माइनस कॉमन निकाल दूँ तो के वन माइनस के टू हो जाएगा और ये भी दोनों सेम हो जाएंगे, तो के टू माइनस के वन, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ का बचा, ये दोनों आपस में कैंसिल होगी, तो मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई मेरी कंप्लीटली एक्स नॉट, तो दोबारा से मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी ए की इन सिक्स में। ठीक है, दोबारा से इस पैड में पुट कर दूंगी तो मिल जाएगी। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू पुट कर देनी है। एंड गाइस इसका ना थोड़े से दो इसमें दो क्वेश्चन और आए हैं, पी और डी पार्ट, मैंने आपको ए और बी पार्ट करवाया अभी। ठीक है, सो मैं वो बाकी जो दो पार्ट है ना नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस इस चैनल का बेल आइकन दबा कर चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियोज भी हो बाकी की और जो मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो यही था गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सी और डी पार्ट करवाऊंगी। ओके, पूरा नहीं देखा ना ये रहा। ठीक है गाइस।